नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मैं हूं आपके साथ कनिका। हरियाणा में भाजपा को किसी भी पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी पार्टियां महागठबंधन करने पर तुली हुई हैं ताकि वो भाजपा से मुकाबला कर सके। देश की मजबूती के लिए प्रदेश के लोगों को चूक नहीं करनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने की अपनी आहुति जरूर डाले। ये कहना है वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का। आज बुढ़ाना गांव में बहुत बड़ी संख्या में एक बड़े कार्यक्रम के तहत काफी लोगों ने अन्य पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाने का जो महायज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति देने का काम किया है। नानोद विधानसभा क्षेत्र में, हिसार लोकसभा में और पूरे हरियाणा प्रदेश में एक तरफा मोदी जी के पक्ष में वातावरण बनता जा रहा है। अन्य सभी दलों के लोग आज सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में एक मजबूर सरकार बने या कोई मजबूत सरकार बने, एक टूटा फूटी सरकार बने या एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बने, इस देश को कमज़ोर करने वाले लोगों के ठगबंधन की सरकार बने या इस देश को महान विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने। ऐसे में आज बुढ़ाना गांव की सरदारी ने 36 बिरादरी से आज बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी को शामिल किया। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर से नीचे जा करके हर बूथ के ऊपर लगभग 20 कार्यकर्ता आज वो गांव-गांव में घर घर में संपर्क करने का काम कर रहे हैं। अन्य दल वो व्यक्ति आधारित दल है, वो परिवार आधारित दल है, वो विचारहीन नीतिविहीन दिशाहीन और दृष्टिविहीन दल है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के पास में दृष्टि है, नीति है, नियत है, संगठन है और कार्यकर्ताओं का एक विशाल समूह है जो हिसार के आज गांव-गांव में हर बूथ पर घर घर मोदी जी का संदेश लेकर के जा रही है। निश्चित तौर पर हिसार लोकसभा में कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिसार अपनी भूमिका निभाएगा। देखिए, इन तीनों दलों ने एक बात तो स्वीकार कर ली है कि अकेले उनके पास वो दम नहीं बचा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाए और मैं मानता हूँ कि ये आसुरी शक्तियाँ भले ही इकट्ठा हो जाए लेकिन इस धर्म युद्ध में देश की जीत होगी, भारत माँ की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। निश्चित तौर पर मोदी जी को हरियाणा प्रदेश के लोग 10 के 10 कमल के फूल उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। इन्हें लोग चर्चाएं भाजपा के साथ आने दिए सर? भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में किसी के भी इस प्रकार के कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हर रोज आप समाचार पढ़ रहे हैं कि दूसरे दलों से बड़े मजबूत लोग वह देश हित में समाज हित में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज भी 2 बार के पूर्व सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। तो जो सात्विक शक्तियां हैं, सज्जन शक्तियां हैं, वह अपने आप इकट्ठा हो रही हैं और जिसका नाम आपने लिया वो आसुरी शक्तियां हैं जो स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे के साथ वो इकट्ठा होने का प्रयास करती रहे लेकिन जीत सत्य धर्म और न्याय की ही हो। ये देश की मजबूती के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आवश्यक है उसको करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेगी, कोई चूक नहीं करेगी। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है कि जिस कमीशन के चक्कर में वो थे वो कमीशन खोरी नहीं चलने दी गई और देश हित में जो आज लड़ाकू विमान की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, कांग्रेस पार्टी के लोग दबाव डालकर चाहते थे कि ये राफेल विमान न खरीदे जाएं और वो इस चक्कर में थे कि उनके पुराने जो उन्होंने खेल खेले हुए थे वही खेल वो खेलते रहे,
न केवल मोदी जी ने उन खेलों को रोका है, उस चोरी को रोका है, बल्कि उनकी जो चोरियां उन्होंने की हैं अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में, जिसमें जो क्रिश्चियन मिशेल है, जो दलाल भारत में आकर के, जिसने कांग्रेस के नेताओं के नाम तक लेने की जो गवाही हुई है, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने सदा रक्षा सौदों में दलाली खाने का काम किया और हम किसी भी तरीके से चूकेंगे नहीं, जो आवश्यक होगा देश हित में फैसले करेंगे, इनकी हम परवाह नहीं करते। ये चोर मचाए शोर, ये देश जान चुका है कि जो चोर चोर चिल्ला रहे हैं वही वास्तव में चोर है। ये चोर मचाए शोर अब नहीं चलने वाला है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं कहूँगा कि ये मर्यादा विहीन बात है। कोई कलाकार होता है, उसकी अपनी कला की साधना होती है और कला ये अपने आप में ये भी एक ईश्वरीय कार्य है, तो ऐसे में किसी भी क्षेत्र को हीन दृष्टि से देखने का काम उनको नहीं करना चाहिए। कितने पुराने बड़े नेता हैं, उनको सब कामों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। अब कोई कला के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, कोई खेल खिलाड़ी के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, तो क्या उनका ये कहना है कि उनकी पार्टी के बड़े महान नेता सुनील दत्त, क्या वो भी उनको वो नाचने गाने वालों की श्रेणी में देखते हैं? उनकी पार्टी के नेता राजेश खन्ना रहे, क्या उनको भी वो इसी श्रेणी में देखते हैं? क्या उनकी पार्टी के अंदर और लोग जो कला के क्षेत्र से आए, राज बब्बर आज भी है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब उनको भी इसी नज़र से देखते हैं? मुझे लगता है कि ये उनकी अच्छी सोच नहीं है।